सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 30 मई और अभी यहाँ पर मार्केट हो चुका है बंद। और मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया था, ठीक है, जो लोग टेलीग्राम पर होंगे उनको पता होगा, ठीक है। मैंने ये बोला था कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है देन हम लोग यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो ये लेवल था हमारा 44,250 के नीचे का, देखेंगे। अभी भी वहीं पर मैंने मार्क करके रखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मार्केट उसके नीचे नहीं आया था जब मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था, ठीक है। उसके नीचे नहीं, मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है, ठीक है। तो आज जो प्रीवियस डे जैसे हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था, तो आज भी हम लोगों ने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट में अगर यहाँ पर ट्रेड ना करने का यहाँ पर रीज़न क्या था मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक लेवल है जिसको मैं मार्क करता हूँ, साइकोलॉजिकल नंबर हमारा, ये हमारा 44,500 का लेवल था। और प्रीवियस डे का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी एक आपका रेसिस्टेंस निकल के आ रहा था, ठीक है, ऊपर साइड। और यहाँ पर नीचे साइड देखेंगे तो नीचे साइड आपको ये वाला एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये वाला मिल रहा था, ठीक है, ये वाला रेसिस्टेंस मिल रहा था और पूरा नीचे मार्केट खाली था। तो इस वजह से मेरी प्लानिंग थी कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड जाएगा तो बहुत बेहतरीन मोमेंटम दे सकता है, लेकिन मार्केट में देखेंगे तो वोलेटाइल आज हमें देखने को मिला मार्केट। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्राइज एक्शन भी क्रिएट हो रहा था जो कि ये वाला था, ठीक है, एक बॉक्स टाइप का, देन बॉक्स टूटा और इसको आप डब्लू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मार्केट ने ये बनाया, देन यहाँ से मार्केट मोमेंटम करना शुरू किया। बट इसमें भी देखेंगे वॉलेटाइल मार्केट काफ़ी ज़्यादा था, विक काफ़ी बड़ी बड़ी क्रिएट हुई थी और बॉडी इसकी छोटी ही थी, लेकिन विक इसकी देखेंगे, यहाँ देखिए ये वाली विक देखेंगे तो काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। तो इस वजह से भी हम लोगों ने यहाँ पर अपर साइड का कोई पोजिशन नहीं क्रिएट किया, क्योंकि ऊपर साइड मुझे नहीं लग रहा था ज़्यादा बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं डाउन साइड की इसीलिए प्लानिंग कर रहा था और मैंने सोचा था कि आज फिन निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे, लेकिन फिन निफ्टी का भी वही सेम सेंटिमेंट था, सेम जैसे बैंक निफ्टी काम कर रहा था वैसे फिन निफ्टी भी चल रहा था, ठीक है। क्योंकि आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था इसलिए मैंने उसमें सोचा था ट्रेड करने के लिए, बट दोनों का सिचुएशन एकदम सेम जैसा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया ना फिन निफ्टी में ना ही निफ्टी बैंक में। देखिए, जब अगर मैं यहाँ पर आज वीडियो इस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे ये बताना है कि अगर आपका लेवल नहीं आता है, आप जैसे ट्रेड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वैसा मार्केट क्रिएट नहीं होता है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपने जैसे प्लान बनाया अगर मार्केट उस तरह से बात चल रहा है, उस तरह से बन रहा है, तब आप मार्केट में काम करिए, उस समय ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए और SLV अपना लगा के रखिए। लेकिन अगर आपके हिसाब से मार्केट नहीं चला, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो आप सोच रहे हैं कि उस साइड मार्केट जा रहा है तो मैं उस साइड ही प्रॉफिट ले लूँ, ठीक है। जैसे मैंने सोचा कि मार्केट में नीचे आए तो मैं ट्रेड लूँ, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा था तो कई लोग होंगे ऊपर साइड के लिए ट्रेड ले ले होंगे, ठीक है। कुछ लोग प्रॉफिट किए होंगे, ज़्यादातर लोग लॉस किए होंगे। अब ये बताइए, अगर मार्केट आपके हिसाब से अभी नहीं चल रहा है तो आप कैसे मान सकते हैं कि मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। आपने आपने तो एक अंधाधुंध ट्रेड ले लिया ना, अंदाजे में ट्रेड ले लिया है बिना एनालिसिस के। आपने ये देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर साइड का ट्रेड ले लिया, डाउन आ रहा है डाउन साइड का ट्रेड लिया। आपका यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे आप प्रॉफिट करेंगे। एक दिन आप प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, 2 दिन प्रॉफिट करेंगे किसी तरीके से, लेकिन जब लॉस करेंगे पूरा पूरा एक साथ लॉस देके जाएंगे, ठीक है। अगर आप बिना स्ट्रेटजी ट्रेड करेंगे 10 में से आप ये मान लीजिए आप ज़्यादा 3 बार प्रॉफिट होंगे बस, ठीक है, 7-12 आप लॉस करेंगे 7 बार। तो हमें क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें 7 बार आप प्रॉफिट में जाना है और 3 बार लॉस में जाना है, ठीक है। इसकी हमें यहाँ पर क्या करनी चाहिए, इसकी परसेंटेज में ज़्यादा रखनी चाहिए, इसकी कम रखनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन आप लोग क्या कर लेते हैं, इसकी परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसका परसेंटेज कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि आप लोगों को जो ट्रेड करना है वो क्वालिटी ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। एक लॉजिक होना चाहिए उस ट्रेड के पीछे का, अगर लॉजिक नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, सिंपल सा। आपका कैपिटल बचेगा, आप उसमें लॉस तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई प्रॉफिट नहीं कर रहे, लॉस भी नहीं कर रहे, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे बनेगा, ठीक है। कल भी हमने ट्रेड नहीं किया, आज भी नहीं किया, अब देखते हैं कल अगर बनता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं बनता तो नहीं करेंगे, ओके। सो ये बताना था आप लोगों को फ्रेंड, आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।